आज के इस वीडियो में हम यूपी पीजीटी फिजिक्स की 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये जो 10 क्वेश्चन होंगे ये इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड से होंगे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इन सब पर जो वीडियो है वो इस चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपका फंडामेंटल जो है वो क्लियर नहीं है तो मैं उन सारे ही वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं और अपना जो फंडामेंटल है वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इन सब की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। तो पहला सवाल यह है कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर। तो चलिए इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये जो चार्ज है ये है प्लस क्यू वन और यहां पर ये जो चार्ज है दूसरा वाला ये है प्लस क्यू टू, और दिया है कि इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है आर। तो यहां पर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो इसलिए यहां पर एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे, और यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि ये जो मीडियम है ये एयर है। तो यहां पर ये जो फोर्स एक्ट करेगा ये मान लेते हैं कि यह एफ ए, क्योंकि ये एयर में एक्ट कर रहा है सो एफ ए, और इतना ही फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पर भी होगा सो यहां पर ये भी होगा एफ ए। क्यू वन क्यू टू को जिस फोर्स से ढकेलेगा क्यू टू भी क्यू वन को उसी फोर्स से ढकेलेगा। तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है एयर में, लेकिन अगर हम इसी चार्जेज को एक दूसरे मीडियम में रखते हैं, अगर हम इसी सिस्टम को जो है एक दूसरे मीडियम में रखते हैं तो फिर देखें फोर्स का क्या होगा। अब यहां पर कोई मीडियम होगा, हमने एयर को रिप्लेस करके कोई मीडियम रख दिया है, यहां पर कोई अब दूसरा मीडियम है और इस मीडियम का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो दिया है के है। तो इस केस में यहां पर ये जो फोर्स होगा ये देखिए कितना होगा। सो चलिए इस फोर्स को अब नाम दे देते हैं कि यहां पर ये जो फोर्स है ये है एफ एम, और यहां पर ये भी जो फोर्स होगा ये भी होगा एफ एम, किसी दूसरे मीडियम में एक्ट कर रहा है अब एयर नहीं है। तो इस केस में यहां पर ये जो फोर्स होता है किसी मीडियम में ये बराबर होता है जितना फोर्स एयर में एक्ट कर रहा था डिवाइडेड बाय इस मीडियम का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो। तो यहां से ये क्लियर है कि ये के गुना जो है यहां पर फोर्स इस मीडियम में घट गया, तो यहां पर के टाइम्स यहां पर डिक्रीज कर रहा है। तो जो आंसर होगा वो हमारा ये पहला वाला सही होगा। सो यहां पर ये जो पहला वाला है ये सही होगा। तो चलिए यहां से इसे हटा देते हैं और बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अब देख लेते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल ये कहता है कि ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू। दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज होंगे और दोनों को हम एक लाइन से जोड़ेंगे, तो उसके सेंटर पर जो है हम एक चार्ज क्यू रखेंगे, तो फिर जो सिस्टम होगा तीनों चार्जेस का वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो फिर उस केस में ये जो क्यू है इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गए दो चार्जेस, यहां पर ये जो चार्ज है ये है क्यू, ये दिया गया है, और जो दूसरा चार्ज होगा ये भी होगा उतना ही, दोनों इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हम यहां पर एक लाइन से जोड़ देंगे। सो हमने इसे एक लाइन से जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बीचों बीच जो है सेंटर पर एक एक चार्ज रखना है क्यू। तो यहां पर मान लेते हैं कि वो सेंटर रहा और यहां पर हमने रख दिया क्यू चार्ज। तो फिर अभी ये जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में ये जो चार्ज होगा ये क्यू, इसका वैल्यू क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम अगर ये मान लेते हैं कि यहां पर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये है x, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये भी होगा x, क्योंकि सेंटर पे रखा हुआ है ये चार्ज। तो फिर अब जो टोटल डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये होगा 2x। सो यहां पर ये जो टोटल डिस्टेंस होगा दोनों प्लस क्यू चार्जेज के बीच का ये 2x होगा। तो तीनों चार्जेस पर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, दैट मीन इक्विलिब्रियम में है। तो अभी हम ये चार्ज ले लेते हैं क्यू प्लस क्यू। सो अगर इस पर जो है इसके कारण पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के कारण इस चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, चलिए मान लेते हैं कि ये फोर्स है एफ वन,
तो अब इसके कारण जो इस चार्ज पर एक्ट करेगा फोर्स, वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, वरना इक्विलिब्रियम में कहां रह पाएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर होना है और दोनों के डायरेक्शन को एक दूसरे के अपोजिट होना है, तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसके कारण इस पर जो फोर्स है इस डायरेक्शन में एक्ट करना है, तो फिर इस क्यू को निगेटिव होना होगा, क्योंकि अगर यह भी पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर इसके कारण जो डायरेक्शन होगा, इसके कारण जो है फोर्स का, वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, तो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, तो फिर इसे निगेटिव होना होगा। यह तो हमने पता लगा लिया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा यह हमें देखना है। तो अब यहां पर इसके कारण देखें, यहां पर ये जो F1 एक्ट कर रहा है वो किसके बराबर है, यहां मैं आपको बता दूं कि इसके कारण ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ये है F2, सो यहां पर ये है F2। तो यहां से ये क्लियर है कि F1 को बराबर होना होगा F2 के। तो F1 देख लेते हैं किसके बराबर होगा, F1 जो है इस Q के कारण एक्ट कर रहा है, तो ये बराबर होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां जो मीडियम है वो हम मान रहे हैं कि एयर या फ्री स्पेस है, इनटू यहां पर ये जो Q है और फिर यहां पर ये वाला जो Q होगा, सो Q का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय इन दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4x स्क्वायर, ये बराबर होगा F2 के। F2 जो है इसके कारण एक्ट कर रहा है, तो ये बराबर होगा हम कह सकते हैं कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर Q इनटू Q, ये स्मॉल लेटर Q, डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो यहां पर x है, तो यहां पर होगा x का स्क्वायर। तो अब यहां पर ये जो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये इसे कैंसिल करेगा, x स्क्वायर को कैंसिल करेगा, और यहां पर ये जो Q है एक Q को यहां से कैंसिल कर देगा। तो यहां से क्लियर है कि ये जो Q होगा ये बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय 4 के, और हमने इससे पहले बात किया कि ये तो नेगेटिव नेचर का होगा ही, तो फिर यहां पर ये हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही, तो यहां पर ये ऑप्शन सही होगा। तो अब यहां से इसे भी हटा देते हैं, सो यहां से इसे हटा देते हैं और हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है, तो तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि टू पॉइंट चार्जेज ऑफ 2 माइक्रो कूलम एंड 6 माइक्रो कूलम रिपेल ईच अदर विथ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज माइनस 4 माइक्रो कूलम देन न्यू फोर्स विल बी। मतलब यह है कि दो पॉइंट चार्जेज हैं, एक 2 माइक्रो कूलम का है और एक 6 माइक्रो कूलम का है, दोनों के बीच रिपल्सिव नेचर का फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि है 12 न्यूटन। अब अगर हम इसे भी माइनस 4 माइक्रो कूलम दे देते हैं और इसे भी माइनस 4 माइक्रो कूलम चार्ज दे देते हैं, तो फिर जो नया फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा। यहां हम एक ट्रिक यूज करेंगे, वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 माइक्रो कूलम है और ये 6 माइक्रो कूलम है, अगर हम इस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां पर हमें मिल रहा है 12 न्यूटन। तो यही लॉजिक हम यूज करेंगे, तो अगर हम इसे दे देते हैं माइनस 4 माइक्रो कूलम का चार्ज, तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, देखें यहां से ये बराबर हो जाएगा माइनस 2 माइक्रो कूलम के। उसी लॉजिक से अगर हम इसे जो है माइनस 4 माइक्रो कूलम दे देते हैं, अगर इसे भी हम माइनस 4 माइक्रो कूलम दे देते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा प्लस 2 माइक्रो कूलम के। अब देखिए आप, हम यहां भी क्या करेंगे, हम यहां भी इस माइनस 2 को इस प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा, तो माइनस 2 को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस 4 न्यूटन। सो यहां पर ये जो चौथा ऑप्शन है ये वाला सही होगा। अब अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सो चौथा सवाल ये कहता है कि द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मेटल्स क्या होगा। तो यहां पर सीधा इसका जवाब होगा कि ये जो इनफाइनाइट है यही सही सवाल जवाब होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है मेटल का वो इनफाइनाइट होता है। तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे और जो पांचवा सवाल है उस पर बात करेंगे। सो जो पांचवा सवाल है वो ये कहता है कि इक्वल चार्जेज क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ए एंड बी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ साइड ए द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सी। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे।
तो चलिए यहां पर ये मान लेते हैं कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दैट मीन तीनों ही साइड यहां पर बराबर होना है, तो ये हो गया एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये जो है ये है ए, और ये वाला जो है ये है पी, और यहां पर ये है सी, और हर एक साइड दिया है कि ये ए के बराबर है। सो यहां पर ये साइड ए के बराबर होगा, ये भी होगा ए के बराबर, और ये भी होगा ए के बराबर। तो ए और बी पर हमें प्लस क्यू चार्ज रखना है, तो यहां पर हमने रख दिया प्लस क्यू चार्ज, और यहां पर जो है बी पर रख दिया हमने प्लस क्यू चार्ज। तो फिर इस सी पॉइंट पर जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यही हमें बताना है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो इस सी पर, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, कुछ ये होगा डायरेक्शन। चलिए मान लेते हैं कि ये है ई वन एज वेक्टर मान लेते हैं। तो फिर इसके कारण, इस प्लस क्यू के कारण जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा उसका डायरेक्शन यहां पर ये होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा। सो मान लेते हैं कि यह है ई टू। यहां दोनों भले ही एज वेक्टर सेम नहीं है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो भी ए के बराबर है, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो भी ए के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। सो सिंपली हम यहां से ये कह सकते हैं कि ई वन बराबर होगा ई टू के, और यहां से हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर ये जो मीडियम है वो हम एयर या वैक्यूम मान रहे हैं, इनटू यहां पर ये होगा ये जो चार्ज है क्यू डिवाइडेड बाय यहां पर जो डिस्टेंस होगा यहां पर ए उसका स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो अब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिल्कुल बीचों बीच कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए मान लेते हैं कि यह ई एज वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है यही हमें पता करना है। तो अगर आपने वेक्टर के चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ पहले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। तो यहां पर ई वन बराबर है ई टू के, तो हम ई टू का स्क्वायर न लिख करके हम ई वन स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस टू इंटू दोनों वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा। सो यहां पर हम लिखेंगे ई वन इंटू ई टू लिखना चाहिए, लेकिन हम यहां पर ई वन ही लिखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। फिर यहां पर होता है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो यहां पर इनके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, तो यहां पर हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए आप यहां से ये जुड़ करके हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू ई वन स्क्वायर प्लस, यहां पर मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मिल जाएगा टू ई वन स्क्वायर, और कोसाइन ऑफ 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये होता है हाफ, ये होता है हाफ। सो यहां से ये टू और टू को कैंसिल कर देगा, तो टू ई वन स्क्वायर इंटू यहां पर ई वन स्क्वायर, ये जुड़ करके हो जाएगा अंडर रूट थ्री ई वन स्क्वायर। सो यहां से आपको मिलेगा अंडर रूट थ्री ई वन स्क्वायर, तो फिर आप यहां पर ई वन स्क्वायर को स्क्वायर रूट ऑफ से बाहर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा ई वन इंटू स्क्वायर रूट में रहेगा ये थ्री। सो ई वन के जगह पर अगर आप इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा क्यू और साथ साथ अंडर रूट थ्री रह जाएगा यहां से, सो अंडर रूट थ्री भी रहेगा यहां पर डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। सो ये जो ऑप्शन है वही सही होगा। तो आप देखें यहां पर ये जो तीसरा वाला है ये सही होगा, यहां पर ये स्क्वायर होना चाहिए, यहां पर ये स्क्वायर है, सो यहां पर ये जो है ये तीसरा वाला सही है। तो अब यहां से हमें आगे बढ़ना है और जो अगला सवाल होगा उसे यहां पर हमें सॉल्व करना है। देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल ये कहता है कि ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड देन रिलीज्ड द काइनेटिक एनर्जी अटेंड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस वाई। तो चलिए इसे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। सो यहां पर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले बना लेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये हो गया एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक एक क्यू चार्ज को रखेंगे और उसका जो मास होगा वो होगा एम। तो यहां पर जो है हमने रख दिया एक एक क्यू चार्ज, ये पॉजिटिव है चार्ज, और इसका जो मास है यहां पर इस चार्ज का जो मास है ये हमने मान लिया ये है एम। मान क्या लें, ये गिवन है, चार्ज क्यू है और उसका मास एम है, ये दिया गया है। तो हम यहां पर अभी मान लेते हैं पकड़ के रखे हुए हैं, तो ये रेस्ट में होगा। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो फिर ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर एक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस चार्ज पर जो है एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये जो फोर्स होगा ये होगा ये जो चार्ज है क्यू इंटू यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो, सो यहां पर ये होगा क्यू इंटू ई। तो जैसे ही हम छोड़ेंगे वैसे इस फोर्स के कारण जो है ये यहां पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इसका जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा, दैट मीन इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ता जाएगा। तो मान लें हमने यहां से छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो ये जो चार्ज है ये चार्ज अब यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया और ये जो डिस्टेंस कवर किया है, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का ये है वाई। सो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है वाई। तो फिर इस जगह पर यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स जितना यहां पर काम करेगा वही काम इस चार्ज में जो है काइनेटिक एनर्जी के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्क डन जो होगा वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि यहां पर ये काम कितना होगा। तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है ये बराबर होता है, ये बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स किसके बराबर है, ये फोर्स यहां पर देखें तो ये बराबर है क्यू इनटू ई के। सो यहां से सिंपली हम कह देंगे कि यह है क्यू इनटू ई के बराबर इनटू यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि हुआ है वाई। सो यहां पर ये होगा क्यू इनटू वाई जो कि यहां पर इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यही क्यू इनटू वाई यही होगा काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये जो आपको तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है यही सही होगा। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और जो अगला सवाल होगा उसे सॉल्व करेंगे। तो अगला सवाल ये कहता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो चार आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी नहीं है ये हमें बताना है। तो पहला ये कहता है कि फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है। तो यहां पर ये इसका एक प्रॉपर्टी है। दूसरा ये कहता है कि टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, ये भी सही है। और फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होता है और नेगेटिव चार्ज पे समाप्त होता है, ये भी सही है। और चौथा ये कहता है कि दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक क्लोज्ड लूप बनाता है, क्या ये सही है? अगर मान लें कि यहां पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां से फील्ड लाइन कुछ बाहर निकला, कुछ ऐसे मान लें फील्ड लाइन यहां से जो है कुछ ऐसे बाहर निकला और फिर ये घूम करके, अगर इसे क्लोज लूप बनाना है तो इसे घूम करके फिर से वापस यहीं पर आना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकला और फिर घूम करके यहां पर वापस आया। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज पे ही समाप्त होगा और पॉजिटिव चार्ज से ही निकलेगा, क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि जब ये वापस आने लगेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे रिपेल करेगा। तो यहां पर ये क्लोज्ड लूप नहीं बन सकता है, इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सो यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, ये आप ध्यान में रखें। तो अगला जो सवाल है आठवां वाला वो देख लेते हैं कि क्या कहता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई रिक्वायर्ड जस्ट टू बैलेंस ए लिक्विड ड्रॉप ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा गया है। सवाल कुछ ऐसा है, सवाल कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ ये मान लें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो अब यहां पर मान लेते हैं कि एक एक लिक्विड ड्रॉप है। चलिए यहां पर मान लेते हैं कि ये एक लिक्विड ड्रॉप है और इसका जो मास है ये है m। तो इसका जो वेट होगा mg, ऑब्वियस सी बात है कि वो यहां पर नीचे की तरफ काम करेगा। तो जो वेट होगा mg, mg ये यहां पर नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इस पर फोर्स एक्ट करेगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि यहां पर दिया गया है कि ये जो चार्ज है ये है प्लस क्यू। सो ये जो चार्ज है ये है प्लस क्यू, तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, तो यहां पर ये होगा फोर्स। सो यहां पर ये जो फोर्स होगा ये होगा क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे इसके बराबर होना है क्योंकि इसे बैलेंस में रहना है। सो बैलेंस में रहने के लिए क्यू ई को एम जी के बराबर होना होगा, तो यहां पर ये जो QE है ये बराबर होगा MG के। तो यहां से कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बराबर होगा MG डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो चार्ज है ये। सो MG बाय Q ये सही आंसर होगा। तो यहां पर ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ये सही होगा। तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे और जो नवा सवाल होगा उसे हम सॉल्व करेंगे। तो नवा सवाल ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय ए पॉइंट चार्ज फॉल्स विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज एच। आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मान ले कि यहां पर ये एक पॉइंट चार्ज है ये है प्लस क्यू, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो है मान लेते हैं कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है आर और यहां पर हमने एक पॉइंट चूज किया, इसका जो डिस्टेंस है इस चार्ज से वो है आर। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर जो मीडियम है वो हमारा एक फ्री स्पेस है, इनटू ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर देखें तो 1/r² आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आखिरी जो सवाल है उसे भी देख लेते हैं। तो आखिरी सवाल ये कहता है, यहां पर ये जो आखिरी सवाल है वो ये कहता है कि इफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज आर रिड्यूस्ड टू हाफ फोर्स बिटवीन देम, जैसे कि मान लो कि दो चार्जेज हैं और उनके बीच का एक डिस्टेंस होगा और उनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तो वहां पर उनके बीच एक फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन अब अगर उन्हीं दोनों चार्जेज को आधा कर देते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसे आधा कर देते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे भी आधा कर देते हैं, तो फिर जो नया फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा कुछ या फिर घट जाएगा, वही हमें देखना है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि दो चार्जेज हैं, यहां पर ये दो चार्जेज हो गए Q1 और यहां पर ये जो चार्ज है ये मान लेते हैं कि ये है Q2 और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये हमने मान लिया कि ये है R। तो फिर यहां पर इनके बीच एक्ट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि रिपल्सिव नेचर का होगा, तो यहां पर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये जो फोर्स होगा ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, इनटू यहां पर ये Q1 इनटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी चार्ज को यहां पर आधा करना है और ये जो डिस्टेंस है इसे भी आधा कर देना है। तो अगर मान ले कि यहां पर ये जो चार्ज है ये अब हो गया Q1/2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे भी हमें घटाना है, सो यहां पर ये जो चार्ज है ये हो गया Q2/2, हमने आधा मान लिया और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया R/2 के बराबर। सो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा R/2। तो इस केस में यहां पर जो रिपल्सिव नेचर का फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में ये किसके बराबर होगा, सो यहां से कहेंगे कि ये जो फोर्स होगा ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर Q1/2 इंटू Q2/2 डिवाइडेड बाय आर बाई टू का यहां पर ये होगा होल स्क्वायर। सो सिंपली यहां से कह सकते हैं कि ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ये पाएंगे कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 के, और फिर यहां पर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा R² / 4। सो यहां पर 4 4 को कैंसिल कर देगा, तो फिर से जो फोर्स बराबर आएगा यहां पर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। सो यहां पर भी फोर्स का मैग्नीट्यूड और यहां पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दोनों ही बराबर है, इसका मतलब कि फोर्स यहां पर चेंज नहीं होगा। सो यहां पर ये रिमेंस सेम वाला ऑप्शन सही होगा, हमेशा सेम ऐसे ही फोर्स रहेगा।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यूपी पीजीटी और टीजीटी फिजिक्स के और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं।